हमारे एक मित्र थे, उन्होंने शादी किया। शादी के दिन उन्होंने, जब हनीमून में औरत ने कहा आप मेरे लिए ताजमहल बनवाएंगे, तो उसने कहा मूर्ख प्रेम में इतनी अंधी हो गई है, ताजमहल मरने के बाद बनता है। और तू अभी से बोली कि मैं तुम पे तो मर गई, पहली बार मैं किसी पे मरी हूँ, आपको ताजमहल बनना। मैंने कहा उसको ये शेर सुनाना, वीराने चमन में भी हम फूल खिला देंगे, पतझड़ को बहारों से एक रोज मिला देंगे, तुम ताजमहल की चाह मुझसे न कभी करना, मैं तो हूँ बहादुर शाह तुम्हें लाल किला देंगे। ताजमहल की चाह मुझसे न कभी करना, मैं तो हूँ बहादुर शाह तुम्हें लाल किला देंगे। हमने कहा हनीमून के दिन इतना तेज तेज मत बोलो, बाहर वाले भी दरवाजा हिला देंगे। हनीमून के दिन इतना तेज मत बोलो, बाहर के लोग दरवाजा हिला देंगे। अब अगर असली रूप से मुरझा गए चेहरे हैं तो हम अंदर आके पूरा चेहरा खिला देंगे। कभी कभी ऐसे हालात हो जाते हैं। तो एक चीज जो शुरू में बोले थे, कहते हैं जो है आधार मांग करके पहचान कर दिया, लाइन में खड़ा करके एहसान कर दिया, कहते हैं आम आदमी व्यापारी और किसान, मोदी जी आपने बड़ा नुकसान कर दिया, मोदी जी आपने बड़ा नुकसान कर दिया। अब हमने अमित शाह से ये की है शिकायत, आपने हमारी औरत को भी परेशान कर दिया, आपने हमारी औरत को भी परेशान कर दिया। वो लाइन में खड़ी थी सिविल लाइन के बीच में, पुलिस वालों ने मोटरसाइकिल का चालान कर दिया, पुलिस वालों ने मोटरसाइकिल का चालान कर दिया, मोदी जी आपने बड़ा नुकसान कर दिया, मोदी जी आपने बड़ा नुकसान कर दिया। अब किसान कह रहे हैं मिलता नहीं है बीज, किसान कह रहे हैं मिलता नहीं है बीज। अब दिल आपका यारों, दिल आपका मोदी जी कब जाएगा पतीज, इसी बात पे मेरे दिल में आती है खीज, आपको जरा सी भी नहीं है इसकी तमीज, आप मुझे पैसा कुछ दे दें प्लीज, आप मुझे पैसा कुछ दे दें प्लीज। और हमने ये नीलाम गेहूं धान कर दिया, आपने नियमों का नया प्राविधान कर दिया, समय से पहले आपने सावधान कर दिया, मोदी जी आपने बड़ा नुकसान कर दिया, मोदी जी आपने बड़ा नुकसान कर दिया। तो कहते हैं जो है, एक आदमी ने कहा मोदी जी दर्द क्या समझे, उनके परिवार नहीं बच्चा नहीं है। हमने कहा ये कौन कहा मोदी के परिवार नहीं है, उनको किसी औरत से प्यार नहीं है, वो जाते हैं इसीलिए लंदन अमेरिका, मोदी से बढ़ के कोई भी होशियार नहीं है। मैं मोदी की बात नहीं कर रहा, मैं नरेंद्र मोदी की बात नहीं किया, क्योंकि नरेंद्र मोदी पे मेरी कोई भी बात लागू नहीं है, बिल्कुल। मैं उस मोदी की बात किया जो मेरा दोस्त है, हड्डियों का दोस्त है, और जो छोटे रुस्तम है उसी के मोहब्बत से हम सब लोग तंदुरुस्त हैं। इलाहाबाद के तमाम जितने बेरोजगार साथी मेरे आए हैं, आंखों में रोजगार के सपने लिए हुए, आंखों में रोजगार के सपने लिए हुए, मोहब्बत कुछ घर के अपने लिए, मोहब्बत कुछ घर के अपने लिए हुए, ये आपको कभी भी असफलता नहीं मिलेगी, क्योंकि उड़ते हैं गगन में खुद के पकने लिए। हम यहाँ पंख से नहीं हौसलों से उठे, माना कि शिकारी ने मेरे पर कतर दिए, पर हम पंख से नहीं यहाँ हौसलों से उठे। तो सन 1900 चौधरी जी मेरे मित्र हैं, मैंने सन 1992 में एक शेर कहा बेरोजगार साथियों को, कि बेरोजगार होने के बाद भी जेब में पैसा न होने के बाद भी इस नौजवान में कितनी हिम्मत है, और हिम्मत क्या है। मैंने कहा परिंदे भी नहीं रहते पराए आज जानों में, हमारी उम्र गुजरी है कि जाए कुछ बताने, मैंने इन बच्चों के लिए लिखा, परिंदे भी नहीं रहते पराए आज जानों में, हमारी उम्र गुजरी है किराए के मकानों में, अब मेरी परवाह से भी टक्कर कोई ले नहीं सकता, हमारी चर्चा रहती है ऊंचे आसमानों में, हमारी चर्चा रहती है ऊंचे आसमानों में, अब कभी इस हाथ को अगर नौकरी न मिल सकी यारो, हमारे कदम होंगे फिर हमारे गेहूं धान होंगे, और हम इतना अन्न पैदा करेंगे कि मूर्धन्य लोग सनातन हो जाएंगे, और सब लोग जो गरीब हैं वो संपन्न हो जाएंगे। इसलिए धन पैदा करने के साथ साथ अनाज भी पैदा करें, तब इस देश का भला होगा, वरना देश के लिए कोई भी कला नहीं होगा। इसलिए कहते हैं सिर्फ सैनिकों सैनिक ही नहीं, सिर्फ सैनिक ही नहीं हम सब वतन के काम आए, सिर्फ सैनिक ही नहीं हम सब वतन के काम आए, सीने
सीने पर खाई है गोली घर यही पैगाम आए। सीने पर खाई है गोली घर यही पैगाम आए। आपने जो मेरा इतना सम्मान किया है, मैं जो कुछ भी सुनाया उसका ध्यान दिया है, तो गलती से छोटों को भी समझूंगा नहीं छोटा, क्योंकि सबरी के यहाँ राम ने भी जलपान किया है। सबरी के यहाँ राम ने भी जलपान किया है। मैंने अपने साथियों को बहुत नमन किया और देश को स्वतंत्रता की सीढ़ियों पर चढ़ते हुए आपको सबको बहुत ढेर सारी दुआएं देता हूँ कि सबको एक एक नौकरी मिले, सत्ती के छात्रों को, डीजी को, पीएचडी के, तमाम लोगों को। बिहारी भैया धन्यवाद। जय हिंद, जय।